आपको चला के दिखाया था कि जो ये एप्लीकेशन है एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है। ये देखिए आज तक लाइव न्यूज़ चलेगी इसकी। चार केस हैं, वो 66 दिन से फरार है, 7 शहरों में उसकी तलाश हो रही है, अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है पुलिस, छापेमारी कर रही है ताकि शायस्ता। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने एंड्रॉयड टीवी में कैसे जियो टीवी की जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, सेंड फाइल्स टू टीवी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे एप्लीकेशन आएगी जब आप अपने प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। और यही एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर लेनी है जो हाईलाइट हो रही है, सेंड फाइल्स टू टीवी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल से जो टीवी की एप्लीकेशन सेंड करनी है। इस एप्लीकेशन का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले हम ऐप ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने टीवी में, और ये ऐप ट्रांसफ़र हो रही है हमारी टीवी में। ऐप ट्रांसफ़र होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। ऐप जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब हम इस ऐप को सीधा ओपन कर लेंगे। इस ऐप को हम सीधा इंस्टॉल कर लेंगे अपने टीवी में। और ये इंस्टॉल होने के बाद, हाँ हर किसी के टीवी में तो शो नहीं होती है, पर ये वन प्लस का टीवी है तो इसमें सीधा ऐप्स के अंदर ही शो हो जाएगी। अगर ये ऐप्स के अंदर नहीं शो होती है आपको जियो टीवी की एप्लीकेशन, तो आप इसको कोडी एप्लीकेशन है उससे भी रन कर सकते हैं। देखिए ऐप हो चुकी है इंस्टॉल, सीधा हम इसे डन कर देंगे और हम आ जाएंगे अपने होम पे टीवी के, और हम सीधा ऐप्स में जाएंगे और ऐप्स में ही शो हो जाती है एप्लीकेशन। ये देखिए जियो टीवी की एप्लीकेशन आ चुकी है। पर अगर आपके टीवी में शो नहीं हो रही है तो आप इसको अपने प्ले स्टोर से कोडी जो एप्लीकेशन आती है उससे भी रन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कोडी। और इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको रन कर सकते हैं अपने कोडी एप्लीकेशन पे जियो टीवी को। अब इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद कंटिन्यू करके अलाउ कर देंगे जो जो ये मांग रहे परमिशन। और ये एप्लीकेशन जो है जियो टीवी की, आप इसको रिमोट से तो आप अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो एक एक्सटर्नल माउस लगा सकते हैं आप। ये देखिए मैंने यहाँ पे माउस लगा रखा है, चाहे आप वायरलेस माउस लगा लीजिए चाहे आप यूएसबी वाला लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोडी एप्लीकेशन, ये खुल चुकी है तो हम यहाँ पे जाएंगे इसके एडऑन्स पे। एडऑन्स पे आपको सीधा दिखा जाएगी जियो टीवी, जियो टीवी एप्लीकेशन आ चुकी है। अब ये परमिशन मांग रहा रहेंगे, नेक्स्ट कर देंगे सीधा, अलाउ अलाउ। इधर हम डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, फटाफट से मैं अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के आपको दिखाता हूँ। ये ओ टी पी जा चुका है मेरे मोबाइल नंबर पे, और मैं ओ टी पी डाल के आपको दिखाता हूँ इसका सरफेस। अपनी जियो टी वी की जो एप्लीकेशन है इसको मोबाइल नंबर और ओ टी पी से लॉगिन कर लिया है, अब हम इसे कंफर्म कर देते हैं। ये मांग रहे हैं ब्रांड न्यू होम स्क्रीन विथ पर्सनलाइज सजेशन, ये न्यू इसका होम पेज है। तो लॉन्च स्क्रीन हमें सेलेक्ट करनी है कन्फर्म। और ये ऐप में आप देखिए टी वी गाइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे चैनल दिख जाएंगे। अगर आपको न्यूज़ सुननी है तो यहाँ पे न्यूज़ के भी चैनल हैं, आप सिंपल यहाँ पे न्यूज़ सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको आज तक की न्यूज़ आ जाएगी। ये देखिए आज तक की न्यूज़ चल रही है, और अगर आपको फुल स्क्रीन करनी है तो फुल स्क्रीन भी हो जाएगी। 66 दिन से फरार, 7 शहरों में तलाश। शाइस्ता परवीन जो अपने मरहूम पति के जनाजे को भी देख नहीं पाई। शाइस्ता परवीन, ये देखिए इसकी फुल स्क्रीन भी होगी, ऐसे आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और अगर आपको शोज़ देखने हैं तो ये सीधा इसका इंटरफेस आ जाएगा। और वैसे टीवी गाइड में जाके आप सारे चैनल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ के अलावा आपको यहाँ पे किड्स के लिए भी देखने हैं तो यहाँ पे आपका इंजो निक चैनल आ गया। ये देखिए फुल स्क्रीन हो चुकी है, ऐसे आप इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और ऐसे हटा के इसे आप मिनिमाइज करके चैनल हटा भी सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।